हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी में आपको मैं ब्रेड रोल बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बताना। यहाँ पर हमने एक बड़ा टमाटर जिसे हमने छोटे पीस में कट करके रखा है, एक बड़ा प्याज जिसे हमने छोटे पीस में कट करा हुआ है, कुछ हरा धनिया का पत्ती ली हुई है, यहाँ पर हमने चार आलू लिए हुए हैं, आधा चम्मच आमचूर पाउडर है, दो बड़े चम्मच यहाँ पे टोमेटो सॉस है, दो हरी मिर्च यहाँ हमने कट करके रखी है, आधा चम्मच हमने यहाँ नमक लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया हुआ है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये ब्रेड ली है, ब्रेड का साइज़ हमने यहाँ पर बड़ा लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ आलू को मैश कर लिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ एक फ्राई पैन लिया हुआ है, उस फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल को ऐड करा है। ऑयल यहाँ पर हमारा गरम हो गया है। अब हम उस ऑयल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे, उसे अच्छी तरह से होने देंगे। जीरा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च भी यहाँ हम अच्छी तरह से होने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कटी हुई प्याज जो रखी थी हम वो उसे ऐड करेंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से लाल होने देंगे। प्याज हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम यहाँ पर जो मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से रेडी हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो मैश किया हुआ आलू रखा था उस आलू को भी हम इस मसालों में मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से सभी को एक साथ मिक्स करेंगे। आलू और मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना है। देखिए, आलू और मसाला यहाँ अच्छी तरह से मिक्स हमारा हो रहा है। अब हम इसमें कटा हुआ जो धनिया था हम धनिया को भी ऐड कर देंगे। अब आलू हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। हमको यहाँ पर एक बड़ा बाउल लेना है और उस बाउल में कम से कम एक गिलास पानी ऐड करना है और उसे हमें साइड में रख देना है। अब हम जो हमने ब्रेड ली हुई है उस ब्रेडों की जो साइड्स है हमें साइड्स को अच्छी तरह से चाकू से काट कर साइड से अलग कर देना है। एक एक ब्रेड की हमें साइड्स को अलग कर देना है काट कर। इस तरह से हमें सारी ब्रेडों की साइड्स अलग करना है। अब हमने यहाँ पे कुछ टोस्ट लिए हैं जिसे हमें जार में ग्राइंड करना है। टोस्ट को हमने अच्छी तरह से यहाँ ग्राइंड कर लिया है। हमने जो ब्रेड की साइड्स कट करके रखी हुई थी अब हमें यहाँ पर जो हमने बाउल में पानी लिया था उस पानी में हमें ब्रेड को अच्छी तरह से डिप करके बहुत ही हल्के हाथों से ब्रेड को निकाल लेना है। इस तरह से अब हमें जो हमने आलू का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे हमें अच्छी तरह से इस ब्रेड के बीच में
रखना है और दोनों साइड से कवर करना है। और उसका जो बचा हुआ पानी था उसको हमें अच्छी तरह से निचोड़ देना है। और रोल को हमें बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथों से धीमे धीमे करके रोल बनाना है। इसी तरह से हम सभी ब्रेडों के रोल बना लेंगे। यहाँ पर हमने सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर जो टोस्ट का पाउडर बना के रखा हुआ था, हम ये रोल को उस पाउडर में अच्छी तरह से कवर करेंगे। एक एक करके सभी रोल को हम टोस्ट के पाउडर में अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। सभी रोल हमने टोस्ट के पाउडर में अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हमने यहाँ फ्राई पैन में ऑयल डाल रखा हुआ है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमें रोल को धीमे धीमे अच्छी तरह से ऑयल में ऐड कर देना है और हल्के हाथों से रोल को हमें फ्राई करना है। रोल को हमें बहुत धीमे से ही चलाना है कि हमारा रोल बिगड़े नहीं। रोल को हमें लो फ्लेम में ही हमें गोल्डन कलर का करना है। रोल यहाँ पर हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से ऑयल साइड में कर रोल को हम बाहर निकालेंगे। याद रखें कि हमें जो गैस का फ्लेम है वो हमें बहुत लो फ्लेम में ही पकाना है। सभी को हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ब्रेड रोल हमारा यह बनकर रेडी हो गया है। आप इसे सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।